हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर में 3D लोगो बनाना सिखाऊंगा। इस टेक्निक को फॉलो करके आप कोई भी 3D लोगो आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब सपोज करो कि मैं गूगल का 3D लोगो बनाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से मैंने गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे टाइप किया SVG रेपो और इस पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लिया। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप किसी भी लोगो की SVG फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और SVG फाइल के जरिए ब्लेंडर में 3D लोगो इजीली बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप किया गूगल और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से मल्टी कलर पर क्लिक किया और यहाँ से गूगल के लोगो पर क्लिक कर दिया और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके इस लोगो की SVG फाइल डाउनलोड कर ली। अब ब्लेंडर में आके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स SVG पर क्लिक किया और यहाँ से डाउनलोड्स में जाके गूगल वाली जो SVG फाइल अभी डाउनलोड की थी उसे ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लिया। अब ए दबा के सेलेक्ट ऑल किया और एस दबा के इस SVG को अपनी मर्जी के मुताबिक स्केल कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SVG फाइल ब्लेंडर में इंपोर्ट हो चुकी है। अब नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के इस लोगो को 90 डिग्री रोटेट कर लिया। और अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर हमारे पास गूगल का लोगो आ चुका है। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब अगर इस लोगो के पार्ट्स पर क्लिक करके इनको सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। और अभी अगर आप आउटलाइनर पैनल में देखो तो ये सारी की सारी कर्व्स हैं। इसलिए पहला काम ये है कि मैंने इनको मैश में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ से इस एक पार्ट को सिलेक्ट करके ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मेन्यू में जाके मैश पर क्लिक करके मैंने इनको मैश में कन्वर्ट कर लिया। अब इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करना है, इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया और यहाँ से थिकनेस की वैल्यू को अपनी मर्जी के मुताबिक एक बार क्लिक करके 1 डिजिट इंक्रीज कर दिया और फाइनली यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। अब इसी तरह से बाकी ऑब्जेक्ट्स में भी सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करूंगा और थिकनेस की वैल्यू को इंक्रीज करके सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई करता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी टोपोलॉजी ख़राब है। इसलिए टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और इसकी टोपोलॉजी को ठीक करने के लिए मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके रीमैश मॉडिफायर ऐड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रीमैश मॉडिफायर ऐड करते ही मेरा ऑब्जेक्ट गायब हो गया। अब यहाँ से मैंने शार्प के ऊपर क्लिक किया तो देखो ऑब्जेक्ट वापस आ गया। अभी अगर आप यहाँ पर गौर करो तो इसकी रेजोल्यूशन कुछ लो है, इसलिए यहाँ से पहली वाली वैल्यू को 1 डिजिट इंक्रीज कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी रेजोल्यूशन सही हो गई। अब यहाँ से रीमैश मॉडिफायर को भी अप्लाई कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ के 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैश की टोपोलॉजी ठीक हो गई। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और अब इन बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट करके रीमैश मॉडिफायर ऐड करके इनकी टोपोलॉजी को भी सही करता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। तो फाइनली अब अगर मैं आपको
किसी भी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की टोपोलॉजी सही हो गई और हमारे पास गूगल का 3D लोगो भी रेडी है। अब ए दबा के सेलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल जे दबा के इस मैश को ज्वाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया, यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया और शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को भी टर्न ऑन कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा 3D लोगो रेडी है, लेकिन एक और बहुत काम का कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्क स्पेस में आया और यहाँ से मटीरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आ गया। तो देखो यहाँ पर इस 3D मॉडल में ये 4 मटेरियल्स ऑटोमेटिकली ऐड हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल्ड BSDF शो नहीं हो रहा। ऐसे में अगर मैं इसमें मेटेलिक और रफनेस की वैल्यू को एडिट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए यहाँ से पहले वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसके बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके यहाँ क्लिक करके कंट्रोल सी दबा के हेक्स कोड को कॉपी कर लिया और शेडर एडिटर में साइड पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आके यूज नोड्स वाली ऑप्शन को ऑन किया तो देखो मेरे पास प्रिंसिपल्ड BSDF आ गया और जो कलर प्रिंसिपल्ड BSDF के बेस कलर में सिलेक्टेड है वही कलर गूगल के इस मैश पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी दबा के हेक्स कोड को पेस्ट करके इंटर दबा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल्ड BSDF भी आ गया और इस लोगो वाला कलर भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को इनक्रीज करो, रफनेस को कम करो और अपनी मर्जी से अपने 3D लोगो को सेट कर लो। अब मैं यही प्रोसीजर बाकी के मटेरियल्स के लिए भी फॉलो करूँगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। अब यहाँ से लोगो पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और अब इसकी लुक को और बेहतरीन करने के लिए रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर मैनेजमेंट में जाके स्क्रॉल डाउन करके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल का 3D लोगो रेडी है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल 3DX मेंटोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।